बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपका सोलर पैनल टूट जाए तो उसके ग्लास की रिपेयरमेंट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली है ये वार्निश जो फर्नीचर वाले यूज़ करते हैं। ये हमें एक ब्रश चाहिए। ब्रश हमें इसलिए चाहिए कि अगर हम हाथ से इसके ऊपर वार्निश लगाएंगे, एक तो हमारा हाथ वार्निश ख़राब हो जाएगा, दूसरा ग्लास से हमारा हाथ ज़ख्मी हो सकता है। ये हमें जिप्सा एल्फी चाहिए क्योंकि ये फ्रेम के अंदर से बिल्कुल लूज़ हो चुका है। जब तक इसका फ्रेम टाइट नहीं होगा तो इसके अंदर वार्निश वाला भी जो मामला है वो कारामंद नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर इस ब्रश के साथ वार्निश लगाएंगे। ये हमने एक कोट किया हुआ है, इसके ऊपर तीन कोट करने होते हैं। पहले एक कोट करके उसको धूप के अंदर खुश करें, फिर दूसरा कोट करें, फिर उसको खुश करें, फिर तीसरा कोट करें। तो इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका ये गिलास टूटा हुआ था, जो किरची किरची होकर गिर रहा था, वो बिल्कुल पहले की तरह मजबूत आपस में जुड़ जाएगा और आपकी प्लेट की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। और बारिश के अंदर बेशक पड़ा रहा, इसके अंदर पानी भी नहीं जाएगा। अगर आपका वैसे आपके सोलर पैनल का गिलास टूटा हुआ है तो अगर इसके ऊपर बारिश वगैरह या पानी जाए तो इसके सेल वगैरह जल जाते हैं। तो हमने सिर्फ 350 रुपये के सामान के साथ 7,000 की प्लेट को दोबारा करामत बना दिया है। तो आप भी इस तरीके को फॉलो करके अपनी प्लेट जो सोलर प्लेट टूट चुकी है उसको दोबारा मरम्मत कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इसके बारे में दिक्कत पेश हो रही हो तो हमें कमेंट सेशन में बता सकते हैं, हम आपको इसके बारे में मुकम्मल गाइड कर देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी ये वीडियोस मिलती रहें। और इसके बाद सबसे आखिर में हम एहतियातन ये सोल्यूशन टेप भी इनके किनारों के ऊपर ऐसे लगा रहे हैं ताकि ये इसके किनारों से कोई भी पानी अंदर ना जाए और ये दोबारा पहले की तरह मजबूत हो जाए। प्लेट हमने रिपेयर की थी, ये बिल्कुल न्यू प्लेट की तरह लग रही है, आपको नज़र आ रही होगी। हम करीब तरह जूम करके दिखाते हैं आपको कि ये वही टूटी हुई प्लेट है जिसको वार्निश की वजह से बिल्कुल ये रिपेयर हो चुकी है। और इसकी हम आपको परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं कि इसके ऊपर पंखा कितना तेज़ी से चल रहा है। इसके ऊपर दो पंखे आसानी के साथ चल सकते हैं सोलर वाले। हाँ, ये देखें पंखा कितना तेज़ी से चल रहा है। जो प्लेट बिल्कुल बेकार हो चुकी थी उस प्लेट को हमने दोबारा रिपेयर कर लिया है। आप इस तरीके को ऊपर अमल करके अपनी प्लेट को रिपेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।